दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे Asus VivoBook 14 Pro इस OLED स्क्रीन के साथ आने वाले इस लैपटॉप के बारे में, जिसमें कि हमें 16GB का रैम और 1TB का SSD स्टोरेज यानी कि फास्ट फुल स्टोरेज देखने को मिलता है। और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यह जो लैपटॉप है वो कैसा परफॉर्म करता है, इस लैपटॉप का कैसा बैटरी बैकअप है, कितने देर तक बैटरी चल जाता है, डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है और कितने लॉन्ग टाइम तक जो है इसका जो डिस्प्ले है, क्योंकि OLED डिस्प्ले है अच्छी क्वालिटी का, लेकिन कितने टाइम तक यह ड्यूरेबल रहेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। और ओवरऑल सारी चीज़ें आपको, जैसे कि परफॉर्मेंस, कौन कौन सी गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। हमारे फ्रेंड का लैपटॉप है तो हमने उनसे लेकर के यूज़ किया है 7-8 दिनों तक, तभी हम ये वीडियो बना करके आपको बता रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो है आपको पता चलने वाली है। और अगर आप दोस्तों इस लैपटॉप को बाय करने का सोच रहे हैं तो बहुत सही समय है, अभी जो है ना यह लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है i5 10th generation, उसका जो दाम है वो बढ़ चुका हुआ है, तो लैपटॉप का जो दाम है वो भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अभी जो है ना लैपटॉप सस्ते में मिल रहा है, अगर आप बाई करने वाले हैं तो मेरे फ्रेंड ने अमेजोन से बाई किया था, तो आप भी अमेजोन से बाई करिएगा, वहाँ पे आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं और मार्केट जो है ना काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल जाते हैं। तो उसका बेस्ट बाई लिंक, इस लैपटॉप का बेस्ट बाई लिंक, ओरिजिनल बाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से क्लिक करके आप इस लैपटॉप के फीचर्स वगैरह पढ़ सकते हैं और आप जाकर के इस लैपटॉप को बाय भी कर सकते हैं। चलिए हमने कुछ फोटोज़ क्लिक कर लिए, हमने तो लैपटॉप को जो भी यूज़ किया है सारी एक्सपीरियंसेस जो है ना आपको बताएंगे, तो वीडियो में जो है अंत तक आप बने रहिए। तो हमें 2.8K का 90Hz का OLED पैनल हमें इसमें देखने को मिलता है, और साथ ही में दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर दिया गया है वो है AMD का Ryzen 9 5900HX, और साथ ही में 4GB का RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड, जिससे कि नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस हमें इस लैपटॉप में देखने को मिलती है। सबसे पहले हम बात करें इस लैपटॉप के डिस्प्ले से, तो इस लैपटॉप का जो डिस्प्ले है वो काफ़ी एक्यूरेट कलर्स को शो करता है, क्योंकि OLED पैनल इसमें यूज़ किया गया है जो कि वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले पैनल होता है, इससे बढ़िया डिस्प्ले नहीं आता है इन द वर्ल्ड। 90Hz का डिस्प्ले है, इसका प्रोफेशनल लोगों के लिए बनाया गया है, आप इसमें जितना चाहे उतना हेवी काम कर सकते हो, आप इस लैपटॉप में BGMI के गेम को हाई ग्राफिक सेटिंग्स पे खेल सकते हो, GTA 5 खेल सकते हो, माइनक्राफ्ट गेम्स वगैरह खेल सकते हो, प्रोफेशनल काम जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग करना हो गया या फिर फोटो एडिटिंग करना होगा, वीडियो एडिटिंग करना हो गया, 4K वीडियोज़ को जहाँ कि हमने इस लैपटॉप में एडिट किया है फिल्मोरा ऐप से, तो 4K वीडियोज़ को भी एडिट करने में बिल्कुल भी आपको लैग और कोई हीटिंग इशू नहीं देखने को मिलेगा, और काफ़ी फास्टली जो है ना आप इसमें एडिटिंग कर पाएंगे। दोस्तों इसमें 16GB का रैम और 1TB का SSD स्टोरेज तो मिलता ही है, आप चाहे तो इसको आगे चल के एक्सपेंड भी कर सकते हैं इसको। बात करें दोस्तों इस लैपटॉप के बैटरी बैकअप के बारे में, तो दोस्तों इस लैपटॉप का जो बैटरी बैकअप है वो आपको 12 से 13 घंटे का देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप है। ऐसी बैटरी बैकअप जो हमें एप्पल के लैपटॉप में ही देखने को मिलती है, लेकिन विंडोज़ में शायद ही किसी लैपटॉप में देखने को मिलता है, जो कि इस लैपटॉप में देखने को मिला है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। बात करें चार्जिंग की, तो इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लैपटॉप जो है 1 घंटे के अंदर में ही फुल चार्ज हो जाता है, अगर आप यूज़ करते हुए चार्ज करेंगे तो 1 घंटे 10 मिनट लगभग इतना लगेगा, लेकिन चार्ज हो जाएगा फुल्ली। ओके, अब हम बात करें दोस्तों पोर्ट्स की, तो दोस्तों इसमें मल्टीपल USB पोर्ट्स दिए जाते हैं, वो भी 3.0 वाले, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्टली डेटा ट्रांसफर्स कर देते हैं। साथ ही में हेडफोन जैक की जो आउटपुट क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार आपको देखने को मिलती है, काफ़ी बढ़िया बेस और काफ़ी बढ़िया ट्रेबल जो है ना, मैं एकदम बैलेंस साउंड आपको देखने को मिलता है, जो कि और किसी लैपटॉप पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो मैं तो कहूँगा ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लैपटॉप, अगर एक प्रोफेशनल लैपटॉप खोज रहे हो तो इस लैपटॉप को आप बाय कर लो, ऐसा लैपटॉप आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। और अभी जो है ना अमेज़न पे काफ़ी ज़्यादा सस्ते में यह लैपटॉप मिल रहा है, क्योंकि Ryzen 9 जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है उस प्रोसेसर का दाम है वो 5000 रुपये बढ़ चुका हुआ है, तो लैपटॉप का जो दाम है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा, तो अभी सस्ते में मिल रहा है, आप जाकर के बाय कर सकते हैं। इसका ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दुकान से आपको काफ़ी सस्ता ऑनलाइन ही मिलेगा, तो आप ऑनलाइन ही बाय करिएगा, इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो मेरा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कुछ भी इस प्रोडक्ट के रिलेटेड। दोस्तों इस लैपटॉप में मल्टीपल एयर वेंट्स दिए जाते हैं, जिससे कि यह जो लैपटॉप है वो काफ़ी ज़्यादा कूल रहता है, साथ ही में इसमें लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया गया है, और इसके अंदर कूलिंग फैन भी लगाए गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा साइलेंटली वर्क करते हैं और आपके लैपटॉप को जो है ना काफ़ी ज़्यादा कूल रखते हैं, जिससे कि आप लंबे टाइम तक इस लैपटॉप को यूज़ करेंगे तो लैपटॉप हीट नहीं करेगा, यानी कि हमें इस लैपटॉप में कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। साथ ही में वीडियोज एडिट करेंगे तो आप 4K के वीडियोज़ को जो है ना 5 से 7 मिनट के अंदर में 4K वीडियोज़ 10 से 15 मिनट के 4K वीडियोज़ को 5 से 7 मिनट में एक्सपोर्ट करके निपटा सकते हैं, यानी कि काफ़ी फास्टली जो है ना यह वीडियो एडिटिंग कर देता है, क्योंकि रैम तगड़ा, प्रोसेसर तगड़ा और SSD स्टोरेज भी लगा हुआ है, वो सब तगड़ा ही है, लैपटॉप एकदम बीस्ट लैपटॉप है। बात करें दोस्तों इस लैपटॉप के कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड जो है वो काफ़ी बढ़िया है, सॉफ्ट कीबोर्ड है,
और इसका जो ट्रैक पैड है वो भी काफ़ी स्मूथली काम करता है। वेबकैम की बात करें तो 1080p का वेबकैम यूज़ किया गया है, यानी कि वीडियो कॉल्स वगैरह करने में, ऑनलाइन क्लासेस करने में, बिजनेस मीटिंग्स वगैरह करने में सामने वाले को आपका जो चेहरा है वो इजिली दिखेगा और काफ़ी अच्छी तरह से दिखेगा, क्योंकि कैमरे की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और साथ ही में जो इसके अंदर माइक यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, वो 2-3 मीटर दूर से भी जो है ना आपके आवाज़ को पकड़ लेता है, यानी कि काफ़ी दूर तक आप रहोगे तो भी आपका जो आवाज़ है वो चला जाएगा सामने वाले तक, यानी कि माइक की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वाईफाई की जो है इसके अंदर जो यूज़ किया गया है उसकी भी रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमने इस लैपटॉप को एक कोने में रख कर यूज़ किया था जहाँ पे वाईफाई का रेंज नहीं आता था जनरली लैपटॉप्स में, लेकिन इस लैपटॉप में हमें वाईफाई के 50% नेटवर्क जो है ना वो शो कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि वाईफाई जो है इसके अंदर कितना तगड़ा यूज़ किया गया है। तो ओवरऑल दोस्तों हर मामले में यह लैपटॉप बढ़िया निकल के आ रहा है, आप इसको बाई कर लीजिए। इस लैपटॉप का ओरिजिनल बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे, वहाँ से क्लिक करके आप इस लैपटॉप को बाई कर सकते हैं। साथ ही में लैपटॉप के लिए कीबोर्ड, माउस, बैग, एंटीवायरस, लैपटॉप के लिए टेबल, ये सारी चीज़ें लेकर लैपटॉप के लिए बेस्ट एक्सेसरीज, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और कुछ दिक्कत होगी तो मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। ओके, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।